क्वेश्चन में क्या गिवन है, टू फिक्स्ड चार्जेस, सेम क्वेश्चन है, एक 4e और एक क्या e, आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ a, ठीक है, दोनों के बीच में दूरी a है, वेयर शुड थर्ड पॉइंट चार्ज बी प्लेस्ड, तो मैं इनके बीच में तीसरा पॉइंट चार्ज जिसकी वैल्यू मुझे मेंशन नहीं है, बस मुझे ये गिवन है कि तीसरा पॉइंट चार्ज मैं कहाँ रखूँ, तो मैंने इमेजिन कर लिया कि तीसरे पॉइंट चार्ज की वैल्यू क्यों है, मैं कहाँ प्लेस करूँ, तो चलो सपोज एक्स डिस्टेंस पे प्लेस करूँ, कहाँ से, 4e से, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना है, ए माइनस एक्स, फॉर इट टू बी इन इक्विलिब्रियम, इट किसकी बात हो रही है, पॉइंट चार्ज की, तो पॉइंट चार्ज किस में होना चाहिए, इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो, तो फोर्स नेट तो बाद में निकलेगी, पहले इसके वेक्टर तो ड्रॉ करें तभी नेट फोर्स जीरो करेंगे, तो क्यू पे नेट फोर्स जीरो करने के लिए कितने कौन कौन से चार्जेस ने इस पे फोर्स लगाई वो देखें, तो ये पॉजिटिव ई ने इस क्यू को रिपेल किया टूवर्ड्स लेफ्ट, इस प्लस ने इस प्लस को रिपेल किया, दूर फोर्स लगाई कितनी, 1/4πε0 ई इंटू क्यू बाई ए माइनस एक्स का स्क्वायर, ये पॉजिटिव ने इस पॉजिटिव को रिपेल किया विद अ फोर्स ऑफ 1/4πε0 4e इंटू क्यू बाई एक्स स्क्वायर, दो वेक्टर आ गए, तो इस ई ने इस पॉजिटिव को यहाँ रिपेल किया, इस 4e ने क्यू को यहाँ रिपेल किया, दो फोर्सेस लेफ्ट और राइट है, पर क्वेश्चन में गिवन है कि ये चार्ज इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो, तो नेट फोर्स जीरो कब आएगी, जब लेफ्ट और राइट की फोर्स आपस में क्या कर जाएगी, कैंसल, इक्वेट कर दो, तो इक्वेट कर दो, इसको इसके साथ इक्वेट करो और आंसर निकालो क्या आ रहा है, चेक करो, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि पहले स्मॉल क्यू, हमने स्मॉल क्यू का इक्विलिब्रियम बनाना है, इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो, तो पहले इंडिविजुअल फोर्सेस निकालनी पड़ेंगी, ये इसे रिपेल करेगा, ये इसे रिपेल करेगा, दो फोर्सेस आएंगी, एक लेफ्ट पे एक राइट पे, दोनों आपस में कैंसिल होगी, तो नेट फोर्स ऑटोमेटिकली जीरो, और उसी को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम, तो दोनों को इक्वेट करके चेक करो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, हाँ ऐसा हो सकता है, आप अगर q की जगह माइनस q लें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इसे अब अट्रैक्ट करेगा, ये रिपेल करेगा, तो भी इट्स ओके चलेगा, पर प्रॉब्लम ये है, तुम प्लस q लो या माइनस लो, तुम्हें तो निकालना x है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता, सब कैंसिल हो जाएगा, समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो इक्वेट करो जरा इसे, तो इक्वेट करो, यहाँ से 1/4πε0 कैंसिल हो जाएगा, ई से ई भी कैंसिल हो जाएगा, क्यू से क्यू भी कैंसिल हो जाएगा, कई लोग ये मानते हैं कि ये तो सर ई गिवन है, तो ई का मतलब तो नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, भाई जब उसने प्लस ई लिखा ना, तो इसका मतलब प्लस 1.6 × 10⁻¹⁹, वो माइनस ई देगा, तो माइनस 1.6 × 10⁻¹⁹, मतलब ये नहीं सोचते इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो यहाँ पर माइनस आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं होता, वो प्लस 4e दे रहा है, तो उसको एज इट इज पॉजिटिव पॉजिटिव ही लेना है, तो इन्हें इक्वेट करो, इक्वेट करके ये टर्म आएगी, इसमें अंडर रूट लो, अंडर रूट लोगे तो a माइनस एक्स और 2/x आएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो और आंसर निकाल लो, ये आंसर, और एंड में लिख देना कि ये डिस्टेंस फ्रॉम 4e है, e नहीं है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ये ऑब्जेक्टिव में चार दो तीन ऑप्शन देगा, वो डिस्टेंस e से भी पूछ सकता है, वो डिस्टेंस 4e से भी पूछ सकता है, अगर ऑब्जेक्टिव 4e से है फिर तो ये आंसर है, अगर ऑब्जेक्टिव में डिस्टेंस e से पूछा गया तो फिर a में से 2a/3 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, जो आंसर आएगा फिर वो e से डिस्टेंस होगा, तो देखना पड़ेगा कि डिस्टेंस कहाँ से निकालना है, मैंने डिस्टेंस 4e से निकाला है, कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है, और जिनको समझ में आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें, इक्विलिब्रियम का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, अगला शीट का क्वेश्चन है आपका, सब्जेक्टिव लास्ट टाइम वाली शीट नहीं है, लास्ट टाइम वाली, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, ट्राई करें।